नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे उन खास खबरों की जो आज पूरा दिन चर्चा का विषय रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली विधानसभा में पेश बजट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये कोई मामूली बजट नहीं है बल्कि ऐतिहासिक बजट है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। दिल्ली की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया ये बजट कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बजट है। आज़ाद भारत के इतिहास में, चाहे आप केंद्र सरकार ले लो चाहे कोई राज्य सरकार ले लो, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक रोजगार बजट प्रस्तुत किया गया है। रोजगार की समस्या तो आज़ादी से ही है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तभी से हमारे युवाओं की रोजगार की समस्या रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा हुआ करता था जिसकी चर्चा केवल चुनावी सभाओं में होती थी, चुनाव के पहले होती थी। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के पहले कहती थी हम आए तो हम 5 लाख नौकरी दे देंगे, हम आए तो हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे वो कर। फिर चुनाव जीतने के बाद कोई बात नहीं करता रोजगार की, उसके बाद तो फिर बंदर बांट होती है। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक बजट केवल और केवल रोजगार के इर्द गिर्द बनाया गया है। बच्चों को रोजगार देने के लिए बनाया गया, सबके घर में खुशहाली लाने के लिए बनाया गया है। इसके पहले, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक ईमानदार सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और उसके नतीजे 10 दिन में ही देखने को मिले कि पहली कुछ घोषणाओं में से एक घोषणा थी कि वहां पे 25,000 सरकारी नौकरियां निकाली गई और एक महीने में उनकी भर्ती चालू हो जाएगी। 35,000 कर्मचारियों को पंजाब में पक्का करने की घोषणा की गई। और अब दिल्ली के अंदर एक बजट लाया गया है जिसमें 20 लाख, 5 साल में 20 लाख, ये विधानसभा के अंदर हमारा कमिटमेंट है, ये चुनावी 20 लाख नौकरियां 5 साल में देने की तो किसी ने चुनाव के पहले भी हिम्मत नहीं करी थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जो इतने बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे इतनी बड़ी बड़ी उनकी जनसंख्या है, वहां भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती चुनाव के पहले भाई हम आए तो हमको वो दो वोट दो, हम 20 लाख नौकरियां दे देंगे। बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें पूरा खाका डिटेल में पूरा तैयार किया गया है कि किस तरह से अगले 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार युवाओं के लिए तैयार किए जाएंगे। जब से ये बजट प्रस्तुत किया गया है अध्यक्ष महोदय, इतने फोन आ रहे हैं, युवा इतने खुश हैं, केवल दिल्ली दिल्ली के नहीं देश भर के युवा खुश हैं कि कम से कम देश की दिशा इस डायरेक्शन में तो आने लगी। अब जैसे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो सारी राज्य सरकारों को अच्छे बनाए बुरे बनाए बात तो करनी पड़ती है मोहल्ला क्लिनिक के। हम लोग स्कूल अच्छे करते हैं तो अच्छे करें बुरे करें सारे देश में चर्चा तो हो ही गई। हम बिजली मुफ्त करते हैं तो अब सारे देश में सारी पार्टियां जा जाके चाहे हमको कितनी भी गालियां दें लेकिन बिजली की बात तो करनी पड़ती है। हर जगह कोई 100 यूनिट कर रहा है, कोई 50 यूनिट कर रहा है। अब जब हम लोगों ने रोजगार की बात करी है दिल्ली के अंदर कि हम 20 लाख रोजगार देंगे तो दूसरी पार्टियों को भी देश भर में रोजगार की बात करनी होगी। तो ये बजट केवल दिल्ली के नहीं पूरे देश के युवाओं को एक उम्मीद देता है कि हो तो सकता है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपनी पहली ही स्पीच में जमकर भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोकप्रिय नेता हैं, आपके पास अनुभव भी है, आप जितना विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। मंत्री बड़े तैयारी के साथ आते हैं, कई बार आप भी ऐसे सवाल लेकर आते हैं जिसका जवाब हमारे मंत्री नहीं दे पाते थे। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। इतनी ऊंचाई तक कारोबार होते देखा है, वो ऐसा शहर एक समय पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, उस शहर से आप आए,
और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे आप। अब केवल लेफ्ट की तरफ दिख गया। और ये हाउस के वो रेफरी हैं आप, हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना क्योंकि आप राइट से आए। क्योंकि ये समय उस बात का नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा। क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था। और कैसा कोरोना देखा था, उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी। अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पर आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना विपक्ष बोलेगा और जितना सवाल विपक्ष उठाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, और क्योंकि मैं भी वहां पर बैठ करके काम किया हूं कि मंत्री बड़े तैयारी के साथ आते हैं, और कई बार आप सदस्य रहे हैं, आपने भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं वो हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं, हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सब समझ से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोई तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। इसलिए जहां आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोग उसको। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है, तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बताइए, शुरू से आसानी हो जाएगी। अब आप मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे भी बनाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिसको जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई है।
अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ कि टेबल बड़ी बजाई गई थी कि 3 लाख जाने कितना हजार करोड़ की सहमति हुई है। अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूँ। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को शायरी के जरिए विपक्ष पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा, जो भी मैंने बजट में कहा वो जनता के लिए है। 20 लाख जॉब अगले 5 साल में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बजट की हर कोई तारीफ कर रहा है। और आज आम आदमी का बजट के रूप में सबके सामने, मैं समझता हूं कि ये सब चीजें बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो भी मैंने बजट में अनाउंस किए हैं, क्योंकि ये जनता की जरूरत थी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता की जरूरत पे इस क्राइसिस के बाद काम करना है, तो जनता से पूछो पहले, और जनता से पूछ के उन तमाम मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन और ट्रेडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सुझाव दिए। इसका जो हमने खाका बनाया उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने 20 लाख जॉब का सपना देखा है, 20 लाख जॉब अगले 5 साल में क्रिएट होंगे और ये नई नौकरियां होंगी। ये ऐसा नहीं है कि आज ये कर रहे थे कल को ये करने लगेंगे, ये नई नौकरियों के अवसर होंगे 20 लाख। और हमने कहा है तो सब जानते हैं कि जब केजरीवाल जी कहते हैं तो करके दिखाएंगे, तो ये भी करके दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई भदौड़ी जी बोलने शुरू हुए तो उनकी पहली लाइन वही थी जो आज तक हमेशा नेता प्रतिपक्ष की बजट के बारे में रहती है, निराशाजनक है। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भाई साहब, आपके द्वारा ये सुनना हमारे लिए बहुत आशाजनक है कि ये बजट निराशाजनक है, क्योंकि ना इसमें आपके कुछ कहने के लिए बचा है। ये जनता के लिए आशाजनक है, विपक्ष के लिए निराशाजनक है, क्योंकि ना इसमें इनके कुछ कहने के लिए बचा है और इनको पता है यार ये सारा काम कर देंगे तो हम जनता के बीच में कहेंगे क्या कि हम ये करेंगे, तो ना कुछ कहने के लिए बचा ना करने के लिए बचा, इसलिए इनके लिए पूरी तरह से निराशाजनक है। मैं इनसे सहमत हूं। अब इनको केवल एक बात से आशा है कि DDA से कुछ काम नहीं होने देंगे, देखेंगे। अभी तो MCD भी सस्पेंशन में डाल रखी है, देखते हैं, चुनाव तो टलवाई दिया, देखते हैं कैसे करेंगे। LG, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, तोता, मैना, इनको खूब भरोसा है उन पे, लेकिन मैं कहूंगा कि 7 साल में इन सब से नहीं रोक पाए, अब क्या रोकोगे आप, चाहे जो कर लेना, आप चाहे जो तोता मैना छोड़ देना, आप सच्चाई को हमसे नहीं छीन सकते, आप हमारी नियत को हमसे नहीं छीन सकते, हमारे साथ हमारा भगवान है, आप हमसे उनको नहीं छीन सकते। मैं आखिर में, भदौड़ी जी बहुत नाराज हो रहे थे लास्ट में, छोटे भाई होने के नाते एक सलाह, ये जिंदगी बड़ी हसीन है भदौड़ी जी, ये जिंदगी बहुत हसीन है, इसे थोड़ा सा प्यार करो। दिल्ली से तो पहली किरण निकली है, थोड़ा पूरे सूरज का इंतजार करो। ये जिंदगी बहुत हसीन है, इसे थोड़ा सा प्यार करो। दिल्ली से तो सूरज की पहली किरण निकली है, पूरी सुबह का इंतजार करो। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। बीरभूम हिंसा की वजह से गरमाई वहां की राजनीति में विवादित बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया। इसी कड़ी में पश्चिम वर्धमान जिले के पांडेश्वर से तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा समर्थकों को खुलेआम धमकी दे दी है। लाउदोहा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विधायक ने जोर देकर कह दिया कि कट्टर BJP वोटर बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि जो कट्टर भाजपा समर्थक हैं उन्हें डराएं, धमकाएं, उनसे कहें कि वे लोग वोट देने ना जाएं। अगर वे लोग वोट देने जाते हैं तो उसके बाद वे लोग कहां रहेंगे खुद तय कर लें, और अगर वह लोग वोट देने नहीं जाते हैं तो हम लोग समझेंगे कि वह हमारे समर्थन में हैं। इस संबंध में आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि तृणमूल विधायक यह समझ गए हैं कि भाजपा के लोग वोट देंगे तो उनकी हार तय है, उन्होंने इस तरह से धमकी दी है।
यह नहीं दी होती तो अच्छा होता। वह तो अनुव्रत मंडल के शिष्य हैं और हो सकता है कि कुछ दिन बाद अनुव्रत मंडल जेल में होंगे। इस तरह धमकी देते रहेंगे तो अनुव्रत मंडल को जेल में लूडो खेलने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत होगी। हो सकता है ये जाएंगे। अब इस तरह का बयान तब सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में हर दूसरे दिन राजनीतिक हिंसा भड़कती दिख रही है। बीरभूम हिंसा के बाद तो राज्य में स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई। आलम यह है कि उस मुद्दे की वजह से विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई भी देखने को मिल गई। उस घटना के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया और लेकिन पार्टी का आरोप है कि स्पीकर द्वारा एक तरफा कार्यवाही की गई है और वे इसका विरोध करने वाले हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कश्मीरी पंडितों को लेकर अरविंद केजरीवाल के कमेंट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि दिल्ली के सीएम ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक बनाया। उन्हें कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों के ऊपर टिप्पणी की है और कश्मीरी पंडितों का अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार मजाक उड़ाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। कश्मीरी पंडित जो भारत देश के राष्ट्रवाद के एम्बेसडर हैं और 1990 के दशक में जिस प्रकार पाकिस्तान के बंदूक वालों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को वहां बाहर निकाला, पूरी दुनिया जानती है कि कितने अत्याचार, कितने जुल्म, कितने सितम कश्मीरी पंडित भाई बहनों पर हुए और कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया गया कि वो कश्मीर घाटी से अपने घर, अपने मकान, अपनी जमीन, अपने बाग छोड़ के पिछले 35 सालों से देश के अन्य अन्य भागों में वो रह रहे हैं। पूरे देश ने और दुनिया ने कश्मीरी पंडितों का हमेशा दर्द समझा। करोड़ों हिंदुस्तान वासियों ने जब कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकलने को मजबूर हो गए, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने कश्मीरी पंडितों को सहारा दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और दिल्ली असेंबली के अंदर उनके साथी एमएलए जो उनके सीट के पीछे बैठे हैं, वो कश्मीरी पंडितों का नाम सुनते ही ठहाके मार के हंस रहे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी, आप क्या जानो कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है? आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को और आप जो दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके जो एमएलए से मंत्री हैं उनको कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी आई इस प्रकार से? बहुत ही निंदनीय यह घटनाक्रम दिल्ली की विधानसभा में हुआ और जिसकी अगुवाई स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का यह व्यवहार और उनके विधायकों का दिल्ली की विधानसभा में इस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के विषय में ठहाके मार के हंसना, यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के तार कहीं ना कहीं उन ताकतों से जुड़े हैं जिन ताकतों ने कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से बाहर निकाला।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने हाल ही में एक रैली में कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ विदेश से साजिश रची जा रही है। उन्होंने हाथ में लिए एक चिट्ठी को दिखाते हुए कहा कि इस चिट्ठी में साजिश की बातें हैं, लेकिन मैं इस चिट्ठी की बातें आपको नहीं बता सकता हूं। उन्होंने चिट्ठी की बातों को बिना बताते हुए कहा कि इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, क्योंकि मैंने आजाद विदेश नीति अपनाई है। पाकिस्तान के स्वतंत्र विदेश नीति को हटाने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पीएम इमरान खान द्वारा किए जा रहे दावे गलत हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं देखा है कि विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को गिराने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान के टॉप अधिकारी के बिना नाम बताए ट्रिब्यून को बताया है कि अगर खतरा इतना गंभीर था तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक तुरंत क्यों नहीं बुलाई गई। इमरान खान के दावे के बाद ये कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि चिट्ठी किसी देश द्वारा लिखा गया था या पाकिस्तान के विदेशी राजनयिक मिशनों में से एक द्वारा साझा किया गया था। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी यह दावा किया था कि धमकी वाली चिट्ठी सैन्य नेतृत्व के साथ भी साझा की गई थी। हालांकि संबंधित अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस तरह की किसी भी साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसा कोई सबूत देखा है। पाकिस्तान के संविधान और राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मसले को सार्वजनिक रूप से उठाने का प्रयास इमरान खान के पद की शपथ का उल्लंघन करने के समान है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान से संसद के सामने पत्र साझा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर खतरा वास्तविक है तो हम इमरान को अपना समर्थन देने को तैयार हैं। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।